हेलो फ्रेंड्स, आपका चेतनास किचन में स्वागत है। आज जन्माष्टमी है तो हम उसके लिए मीन पाक जो होता है वो कैसे जमाया जाता है उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो हम अब पाक बनाने की विधि बताते हैं। सबसे पहले हम सारे मेवों को भूनेंगे। घी डालेंगे, अब हम इसमें ये मखाने हैं इनको ब्राउन कलर का भून लेंगे। इस तरीके से हमारे मखाने भुन चुके हैं और हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम ये हमारी भिंडी खरबूजे के बीज, अब हम इसको भूनेंगे। ये हमारी भिंडी भुन चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये हमारा घिसा हुआ गोला है, अब हम इसको भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गोला भुन चुका है, एकदम गोल्डन हो चुका है। अब हम जो सारी चीज़ें हमने भुनी हैं, अब इनको हम थोड़ा थोड़ा दरदरा सा कूट लेंगे, मिक्सी में कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी चाशनी बनने रख दी है हमने अपनी। जब तक हमारी चाशनी रेडी होती है तब तक जो हमने मिश्रण बनाया है उसको पीस कर तैयार कर लेते हैं। हमारा वो मिश्रण रेडी हो चुका है, इसमें हमने बीज और गोला मिक्स कर दिया है। ये हमारा खोआ रेडी है जो हम इसमें डालेंगे। अभी छोटी इलायची है, अब हम इसको छील के पीस के रेडी कर लेते हैं तब तक। और इधर देखिए हमारी चाशनी बन रही है। ये चीनी का दाना है, ये घुल जाएगा। अभी हमारी चाशनी है, इसका तार देखेंगे हम इस तरीके से। इसमें इसे हम उंगली पर लेकर भी देख सकते हैं, इस तरीके से तार आ रहा है या नहीं। तब तक हम प्लेट्स पे घी लगा लेते हैं। हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है, अब इसको हम गरम गरम में ही ये खोआ डालेंगे पहले इसमें। बट अभी हमारा जो मिश्रण है, अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। ये सारा हम इसमें डाल चुके हैं, अब इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। हमने घी लगा के जो प्लेट तैयार की थी, अब उसमें इस तरीके से इसको फैला देंगे। और छोटी चम्मच की सहायता से इसको बराबर बराबर फैला देंगे चारों तरफ। अब हम इसको चाकू की सहायता से इस तरीके से गरम गरम काट देंगे। गरम गरम काट देंगे तो ठीक तरीके से कट जाएगा, नहीं तो ठंडा होने के बाद में ये कटता भी नहीं है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। हमारी जो हमने कतली बनाई थी ये ठंडी हो चुकी है, अब इसको इस तरीके से चाकू की मदद से निकाल कर हम कंटेनर में रख सकते हैं इस तरीके से।
देखिए फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।